तो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने गांव में आ चुका हूं और हमारे गांव में महाशिव पुराण बैठी है। और ये काफ़ी समय बाद इसका आयोजन हुआ है। लगभग अगर मैं लास्ट टाइम जो हुआ था वो 6-7 साल पहले हुआ था, और उस ठीक 6-7 साल बाद दोबारा हो रहा है। और काफ़ी एक अच्छा माहौल है गांव में, और इसी के बीच में मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूं, कैसे गांव में शिव पुराण देख रहे हैं जो अन्य गांव से और बाहर से जो लोग यहां पर दर्शन करने के लिए आए हैं। और काफ़ी मतलब एक भीड़ से लगी हुई है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। और सबसे पहले तो मैं अपने ग्राम सभा के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली उन लोगों का जो हमारे गांव के ध्यानियाँ जिनको बोलते हैं, उनकी तरफ से ये आयोजन हुआ है और सब ने मिल के इकट्ठा अपना सहयोग दिया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और काफ़ी सहयोग से ये हुआ है, सबके सहयोग से। और ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मंदिर है ये नंदेश्वर महाराज का, तो आपको अब वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगा कि कैसे शिव पुराण बैठी है, कैसे यहाँ पर लोग भक्त जो आ रखे हैं, चाहे वो गांव से हैं या दूसरे ग्राम सभा से, कैसे वो यहाँ पर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। तो आइए बिना देरी के आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप अपना आसन ग्रहण कर लें, अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप लोग मोरी कैसे भक्ति करूं मैं तोरी रे, हरे भक्ति करूं मैं तोरी। भोलेनाथ
प्रकांड विद्वान है। भगवान शिव ने भी संगीत की रचना की है, सामवेद की रचना शिव के द्वारा, शिव के डमरू के द्वारा। लोग सुनते हैं कि संगीत बेकार की चीज है, हमने पहले दिन ही बताया था कि संगीत में तीन देवता बसते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, जिनमें सुर स्वर और शब्द ये तीनों निवास करते हैं। इसलिए जिसको अगर सुर से प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, संगीत तो मनुष्य के कण कण में बसता है, मनुष्य के प्रकृति के कण कण में संगीत बसा हुआ है। इसलिए तो शिव ने अपने हाथ में डमरू रखा हुआ है, उस डमरू के निनाद से प्यार नहीं है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि संगीत से किसको प्यार नहीं है, प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको, ओ मूर्ख इंसान सुर लय और ताल में बजे हुए हैं, रस छंद अलंकार, अरे इनके बिना कहाँ गति है। मम गम गम गति सनि सम गति का, गम दनि गम गम दनि सनि सनि सम गम दनि सा, कहते हैं कि जिसको सुर से, सुर माने संगीत का जो सुर होता है, सात स्वर होते हैं संगीत में, सडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवतो निषाद, इन सातों सुरों से युक्त सारा संगीत है। जैसे सप्त की वर्णमाला होती है, वैसे भी संगीत की भी वर्णमाला होती है। इंसान बना देता है, हमें सुर इंसान बना देता है, सुर भगवान मिला देता है, अपने हाथों में कन्हैया मुरली धारण नहीं करता। नारद जी वीणा क्यों धारण करते हैं, मम गम गम धनि सा धनि सम गम धनि सा, भगवान शिव की पूजा संपन्न हुई, चौथे प्रहर में प्रातः काल का समय ब्रह्म मुहूर्त जैसे ही हुआ, तो हिरनी, हिरनी के बच्चे, हिरनी की बहन सब उसी समय वहां आ गए उस बियाद के पास और कहा कि अब तुम हमको मार सकते हो, अब तुम हमारा वध करो। फिर भी जब उनका पुत्र नहीं हुआ तो भगवान शिव से प्रार्थना की, तो शिव के प्रसाद से
एक दिन खेत में हल लगा रहे थे तो तभी उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र को लेकर के वो अपने घर में आ गए और उस पुत्र का नाम रखा नंदी। बोलिए नंदी के स्वर भगवान की जय। हमारे यहाँ भी ग्राम देवताओं की कथाएं आती हैं। ग्राम देवताओं की कथाएं आपने सुनी होगी। हमारे समेश्वर